अभी देखो हम लोग यहाँ पे पूरा अंधेरे वाले एरिया में आ चुके हैं। अभी मेरा सिर्फ जो है बाइक का ऑक्स लाइट जो स्टॉक वाला आता है वो जल रहा है, जो अपना हेडलैम्प है वो जल रहा है, और बाकी पार्क बस्टर की एलईडी लाइट जल रही है। अभी आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ प्रो में कितना पड़ जाता है मेट्रो अल्फा के साथ में। ये देखो एक चीज़ और अच्छे से सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जो अभी एक येलो कवर यूज़ हो रहा है मैं उसको हटा देता हूँ और एक येलो और एक वाइट रहने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। आज हम लोगों के पास में यहाँ पे BMW 850 GS जो मैं ओन करता हूँ वो है, और मैंने रिसेंटली यहाँ पे मैडॉक का लाइट्स लगवाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में भी, और लाइट के थ्रो में भी अगर आप लोग देख लोगे ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा थ्रो आता है। और अभी मैंने जो व्लॉग है वो शाम में आज इसलिए शुरू किया है क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है। थोड़े बहुत मैंने जो शॉट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी गोप्रो में ले रखे हैं, मैंने यहाँ पे माउंट कर दिया था। और तो ये वाली जो लाइट्स है इसका पूरा डिटेल के में बात करेंगे इस। तो आज की वीडियो जो है मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट इसका कवर करेंगे कि इसका जो है इंस्टॉलेशन कैसे हुआ, एंड वेदर यू कैन गो विदाउट हेक्सकैन और यू हैव टू बाई हेक्सकैन, क्योंकि BMW बाइक है तो आप लोगों को पता है यहाँ पे इसमें एक्सेसरीज जो है हेक्सकैन इंस्टॉल कराने के बाद में आप लोगों को लगवानी पड़ती है। अभी यहाँ पे आप लोगों को बाकी जो डिटेल्स है वो सारी कवर करूँगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को बाइक के लाइट्स के बारे में बता देता हूँ, देन उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे इसका थ्रो कैसा है इन हैवी ट्रैफिक आफ्टर रेन, जैसे कि जो वाइट लाइट होती है वो स्प्रेड हो जाती है, येलो लाइट का क्या बेनिफिट है, एंड उसके बाद में थोड़ा सा डार्क एरिया में जाके जहाँ पे बिल्कुल भी लाइटें नहीं है उसका थ्रो कैसा है, और उसी के साथ में फिर आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा कि इसमें जो अटैचमेंट्स है वो कैसी है। तो अभी ये जो यहाँ पे क्लिप है ना ये है येलो कलर का, तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाता है वाइट कलर का। तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, एक साइड का येलो एक साइड का वाइट कर देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा रहता है कि जो थ्रो है वो दोनों टाइप का मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखो ना वाइट का थोड़ा सा रहता है, अब ये है ये लाइट येलो नहीं है, है ना, ये है जो केस है वो येलो है। जो लाइट्स का प्राइस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 9700, जो डिटेल है मैं आप लोगों को स्क्रीन में डाल दूंगा, मेरे को एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है अभी कितना है। देन उसके बाद में ये जो है आप लोगों का स्विच आ जाता है ये मैडॉक का, यहाँ पे अगर ऑफ करूँगा तो मैं ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये इसके साथ में अटैचमेंट्स आ जाती हैं, दो जो हैं वो क्लियर कवर है। अब मेरे को अगर वाइट में यूज़ करना है तो जस्ट टू प्रोटेक्ट द लाइट्स मैं ये कैप यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे, उसमें लगा के आराम से जो है लाइट्स डैमेज नहीं होएगा। और उसके साथ में यहाँ पे आप लोगों को जो है ब्लैक कलर का मिल जाता है, तो इसमें भी अभी काफ़ी अच्छा कर दिया। जो पहले मैं यूज़ करता था वो रबड़ वाला कैप था, इवन HJG का जो मैंने परचेस किया था उसमें भी जो कैप है वो रबड़ का था, वो कोई भी निकाल के लेके जा सकता है, वैसे निकाल के तो ये भी लेके जा सकता है, बट इसका फिटिंग ऐसा मतलब अपने आप से नहीं निकलेगा। और एक ये वाला है मैडॉक का ब्लैक कलर का, आप लोगों को दिख रहा होगा है ना। और मैंने साथ में बार्क बस्टर का जो LED लाइट है ये भी लगाया था, ये भी 6000 रुपये का है, इसका कनेक्शन इग्निशन के साथ में, जैसे मैं ऑफ़ करूँगा थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग BMW बाइक में अगर फिट कराना चाहते हो तो यू कैन गो विदाउट हेक्सकैन ऑल्सो और विद हेक्सकैन ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। बेसिकली होता क्या है, आपका जो मेन BMW की बाइक की वायरिंग है उसमें कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आप लोग जैसे भी है मतलब इंस्टॉल इसको करा सकते हो, कितना भी एक्सेसरीज एड ऑन इग्निशन से कनेक्शन देके करा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है आप लोगों की बाइक जब ऑफ है देन इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग पावर फ्रॉम द बैटरी, तो वो चीज़ अच्छी है, आप लोग इजीली करा सकते हो। क्योंकि हेक्सकैन का मतलब मैं भी थोड़ा सोच रहा था क्योंकि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 27,000 है, देर इज़ अल्टरनेट फॉर दैट विच इज़ मोटर फैंस का भी आ गया है हेक्सकैन, मतलब हेक्सकैन जैसा एक और डिवाइस है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसका प्राइस कुछ 12,000 का है। तो अभी ये है जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया तो अभी यहाँ से ठीक एग्जैक्टली एक मिनट बाद में ये बंद हो जाए। जो HJG का लाइट मैंने लिया था उसका इंस्टॉलेशन मैंने यहाँ पे कराया था, तो 850 GSA में क्या है ना आप लोगों को इंस्टॉलेशन पॉइंट एक तो ये है या फिर ये है, इसमें मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि थोड़ा सा नीचे रोड है ना और येल्लो लाइट है,
तो उसकी वजह से जो है मेन रोड जो जहाँ पे पैचेस वैचेस रहते हैं या फिर कुछ गड्ढा वड्ढा रहता है वो सब दिख जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, और उसके साथ में आप लोगों को जो भी है जो लाइट्स है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी इंस्टॉल कराओगे तो और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी, और यहाँ पे इंस्टॉल कराओगे तो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जो है ये मेन वाला पार्ट है, ये नीचे जाता है। अब इधर पे कुछ बजेगा तो वो फिर किस्मत वाली बात है। अब मेरे पास में अभी यहाँ पे दो ऑक्स लाइट होगी, दो ऑक्स लाइट, एक जो ऑक्स लाइट है ये वाली जो आप लोगों को व्हाइट कलर की दिख रही है, ये ज़्यादा इसका थ्रो नहीं है, इसको भी मैं हो सकता है चेंज कराऊंगा। एक और HJG की ऐसे बेंस सिग्नल में आती है लाइट, उसका थ्रो अच्छा है, वो स्पॉट लाइट है, ये थोड़ी स्प्रेड और स्पॉट दोनों है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी नीड के हिसाब से चेंजेस करने हैं अपनी बाइक में। मेरे को ये ऑक्स लाइट का इतना ज़्यादा मतलब ये जो स्टॉक वाली है उसका कुछ यूज़ नहीं समझ में आया। जो वाइट लाइट्स रहती है ना उसका भी डिसएडवांटेज क्या है, जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में जो आप लोगों का जो वाइट लाइट है LED लाइट्स है वो स्प्रेड होती है, तो आप लोगों की विजिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है। येलो लाइट्स का क्या फ़ायदा है, येलो लाइट्स जो है वो स्प्रेड नहीं होती, तो उससे बेनिफिट क्या रहता है, आप लोगों को रोड विजिबिलिटी अच्छी रहती है। इवन कभी आप ऑफ रोडिंग में भी जा रहे हो तो भी येलो लाइट्स का अच्छा थ्रो रहता है। तो ये बेसिकली लाइट्स तो आप लोगों की जो ऑक्स लाइट जो जितनी भी आफ्टर मार्केट करवाते हैं उसमें कैप लग जाती है, तो येलो लाइट की कैप लग जाती है, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप लोगों का जो है जो विजिबिलिटी है वो आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर अंदर सिटी में आप लोग राइड कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक कैप डाल के रखो, सो दैट कॉप्स जो है वो आप लोगों को रोके ना, है ना। तो मैंने जो HJG का लाइट लगाया था वो मेरे को पड़ा था 9,700 रुपीज़ का विद इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये वाला जो मैंने लगाया उसमें आई हैव पेड एडिशनली 7,900 समथिंग, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है, डिफरेंस काफ़ी है। HJG चाइनीज़ है, ये वाली इंडियन ब्रांड है, और बट इसका अभी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है। उन्होंने काफ़ी R&D करके मतलब अपनी लाइट्स पे काफ़ी एनहेंसमेंट किया है। मैंने मैडॉग की लाइट अपना Z800 में भी यूज़ की थी उधर पे, जब मैं अपना नॉर्थ ईस्ट राइड किया था तो उधर पे भी बहुत अच्छा था। मतलब क्या है ना, जहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत लो थी मैडॉग का लाइट्स अच्छा हेल्प किया था मेरे को। जहाँ फॉगी एरिया रहता है येलो लाइट रहता है तो उसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा कर देता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ से निकल के आप लोगों को जो थ्रो है मैं दिखाता हूँ, तीन टाइप से दिखाऊँगा हर कंडीशन में। जैसे कि आप लोगों का सिटी बिल्कुल इंटीरियर रोड्स होगी उसमें लो बीम हाई बीम विद ऑक्स लाइट एंड ऑक्स लाइट, मीडियम ट्रैफिक लो बीम हाई बीम ऑक्स लाइट एंड आफ्टर मार्केट ऑक्स लाइट। सेम चीज़ यहाँ पे अभी डार्क एरिया में भी जाके मतलब पूरा जहाँ अंधेरा बिल्कुल हो रखा होगा वहाँ पे भी वैसे दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर यू फॉलो मी एंड ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज़ नदीम अलवी ब्लॉग्स। आप लोगों को कुछ भी क्वायरीज है आप लोग मेरे को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक। ये मेन वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि इज़ मैड डॉग अल्फा गुड फॉर बिग बाइक्स, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मतलब GR का खरीदते हैं। अब GR जो है वो आ जाती है, GR50X आती है अराउंड 35,000, GR70X आती है 45,000, उसके बाद में फिर आप बड़े प्लेयर्स की बात कर लो, अगर डेनाली आ गया, डेनाली का प्राइस ऑलमोस्ट बढ़ जाता है कितना 50-60 के ऊपर ही रहता है, ठीक है। बाहा आ गया, बाहा स्पोर्ट्स जो लाइट आती है उसका प्राइस है 27,000, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला वो उतना ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं है, लाइट भी बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है मतलब वो लगाते हैं बाहर स्पोर्ट्स, उसके बाद में दो पेयर और लगाते हैं, मतलब बेसिकली चार ऑक्स लाइट आफ्टर मार्केट लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे को सर्व पर्पज समझ में नहीं आता है। मैं इसमें भी चाहता हूँ तो मतलब इंडियन ब्रांड्स भी यूज़ करके काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रो कर सकते हैं, मेरा मेन पर्पज़ है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़, ठीक है। अगर आप लोग बहुत नाइट राइड पर ज़्यादा जाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है आप लोग ज़्यादा अच्छी ल्यूमेंस वाली जो लाइट्स है वो यूज़ कर सकते हो। इसका ल्यूमेंस आएगा समवेयर अराउंड 9,000 रहेगा। जो गोल्ड रनवे आती है या फिर आपकी मोटर फैंस आती है उसका जो ल्यूमेंस रहता है 15-16,000 के अराउंड रहता है। देन उसके बाद डेनाली आ गया, डेनाली प्रो आ गया, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो आप लोगों को ऑक्स लाइट देती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग अलग डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैं ज़्यादा नाइट राइड करता नहीं हूँ, कभी कभी निकलता हूँ, बट नाइट में निकला हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि अगर जैसे कि हम लोग लॉन्ग ट्रिप्स भी जो करते हैं उसमें भी हम लोग जो राइड है अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, देन बाई इवनिंग वी फिनिश इट। कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा रात में कंटिन्यू करना पड़ा, तो उसके लिए मैंने अपनी पर्पज से इस हिसाब से ये लाइट लगाई है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं, GoPro यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इधर पे माउंट कर रखा है, और यहाँ से देखो अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को। ठीक है,
अभी यहाँ पे अगर मैं लाइट जलाऊंगा तो ये देखो ये ऑन हो गया यहाँ पे। अभी इसकी अच्छे से टेस्टिंग करेंगे। अभी दो टाइप का जो है मैं कवर कर चुका हूँ सिटी में, इधर आते टाइम में, बाकी जो है थोड़ा सा और अंधेरे वाले एरिया में जाके कवर करेंगे कैसा लगेगा। अभी देखो हम लोग यहाँ पे पूरा अंधेरे वाले एरिया में आ चुके हैं। अभी मेरा सिर्फ जो है बाइक का ऑक्स लाइट जो स्टॉक वाला आता है वो जल रहा है, जो अपना हेडलैम्प है वो जल रहा है, और बाकी ये बार्क बस्टर की एलईडी लाइट जल रही है। अभी आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ प्रो में कितना पड़ जाता है मैड डॉग अल्फा के साथ में, ये देखो तो अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और ये वाला जो इतना डिफरेंस है ये आप लोगों को गोप्रो में ज़्यादा पता लगेगा, थोड़ा सा जो है आईफोन की वीडियोस में ज़्यादा नहीं पता लगता है। जो लाइट है काफ़ी ब्राइट दिख रही है, यहाँ पे देखो आप कितना सही लग रहा है। अभी एक चीज़ और अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो अभी एक येल्लो कवर यूज़ हो रहा है मैं उसको हटा देता हूँ और एक येल्लो और एक वाइट रहने देते हैं, ठीक है वो तेरी तो अलग ही लेवल की ब्राइट ब्राइट हो गई एकदम, मेरा बहुत ही सही लग रही है। अभी वाइट वाइट वाला में मिक्स हो जा रहा है बट ठीक है, लाइट काफ़ी ब्राइट हो गई अभी देखो यहाँ। तो अभी यहाँ से आगे चल के ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है, देन आप लोगों को गोप्रो की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को इसमें डाल दूँगा। Me wind and rain.
You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit that I. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. तो अभी हम लोग ने यहाँ से फ्यूलिंग करा ली। हम लोग नंदी हिल्स के रास्ते में हैं अभी। यहाँ पे इसका येलो जो कैप है वो लगा देते हैं। आप लोगों को आई होप जो वीडियोस हैं वो सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लाइट परफॉर्म कर रही है लो लाइट में, और जैसे भी मतलब डार्क एरिया है या फिर हाईवेज हैं कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नदीम अलवी ब्लॉग्स। वहाँ पे भी मैं रील्स डालते रहता हूँ, आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। और अगर उसी के साथ में आप लोगों की क्वेरीज है यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स ऑन माय वीडियो, और मैं डेफिनेटली आप लोगों की जो क्वेरी है उसको सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।